बेंगलुरु में पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में गत 19 मार्च से चल रहे निशुल्क योग शिविर का आज प्रातः समापन हो गया। समापन के दिन जहां पूज्य स्वामी जी महाराज ने लाखों लोगों को योग की दीक्षा दी, वहीं शहीदी दिवस पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को हृदय से श्रद्धांजलि दी तथा उनके बलिदान को याद किया। शिविर के अंत में पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग शिविर में भाग ले रहे लोगों के साथ फूलों की होली खेली। आइए देखते हैं आज समापन शिविर के मुख्य मुख्य अंश। आज होली का पवित्र त्योहार है और इस अवसर पर पूज्य स्वामी जी श्रद्धे हमारे सन्यासियों ने आकर के हमें अनुग्रहित किया। पूज्य स्वामी जी को प्रणाम। आदरणीय श्री यति जी, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम, जिनके गौरवशाली परंपरा। और आज राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह का शहीदी दिवस भी है, तो उन शहीदों को हम सबके ओर से सलाम है जिन्होंने अपनी जिंदगी दे करके, अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे करके हमें आज़ादी दिलाई। उन स्वाधीनता सेनानियों को, मां भारती के अमर यशस्वी पुत्रों को प्रणाम करते हुए सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सत्य सनातन आर्य हिंदू वैदिक धर्म, यह हमारी पावनी परंपरा। और आज उस पावनी परंपरा का मैंने कहा ये होली और दिवाली, इसको वैदिक परंपरा में हो, दिवाली को शारदीय नवसस्येष्टि और होली को फाल्गुनी नवसस्येष्टि कहते हैं। पंचमहायज्ञों की, चतुर्वर्णाश्रम धर्म की, 16 संस्कारों की हमारी पावनी परंपरा है। और आज उस परंपरा का बहुत पावन दिन है होली। कपाल भाति प्रणाम करते हुए देखो मूलाधार से शस्त्रार तक अपनी अंतर शक्तियों का जो जागरण होता है, इसी को कुंडलिनी जागरण नाम से तंत्र ग्रंथों में कहा, वेदों में इसी को ऊर्ध्व रेता होना कहा। अष्ट चक्रों का जागरण जो शक्तियों के केंद्र है 8, उसी को चक्र कहा। हमारे वेद का मंत्र है ऋचा है अष्ट चक्रानव द्वारा देवानाम पूरायुध्या तस्यम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। किसी भी एक मुद्रा का चयन, हाथ एक मुद्रा विशेष में, ध्यान मुद्रा, शून्य मुद्रा,
वरुण प्रतिमुद्रा, वरुण मुद्रा शक्ति अपान या वायु मुद्रा, और ऐसे लय के साथ करना। आज योग का जो मूल अभ्यास है ना, उसी को करवा रहे हैं। 8 प्राणायाम रोज करने हैं, थोड़ा सूक्ष्म है, 12 आसन, और फिर योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास, जिनसे बन पाए सूर्य नमस्कार, बस इतना रोज करना है। फिर जो युवान है वो 12 दंड 8 बैठक भी लगा सकते हैं, तेजी से दौड़ सकते हैं, 20 मिनट तीव्र व्यायाम सबको करना चाहिए। यह शरीर विज्ञान पर अनुसंधान करने वाले सभी वैज्ञानिकों की एक निर्विवादित मान्यता है। तो उसमें आपको ये जो योग है ना, इसमें शारीरिक व्यायाम से लेकर के आंतरिक व्यायाम प्राणायाम से लेकर के और ध्यान तक की पूरी यात्रा अपने आप पूरी हो जाती है। बहुत तरह की भ्रांतियां हैं योग को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के, धर्म को लेकर के। हर समय अपनी फ्रीक्वेंसी भगवान से जुड़ी रहे तो लोअर कॉन्शियस में कभी आएंगे नहीं, हायर कॉन्शियस में, डिवाइन कॉन्शियस में रहे, और बस ये तार टूटे नहीं, अखंड प्रभु के साथ ये संबंध अखंड जुड़ा रहे। करो तार मन की प्रभु से जुड़ी है, रहे तार मन की प्रभु से जुड़ी है, रहे आत्म ज्योति सभी की जगी है, रहे आत्म ज्योति सभी की जगी है, रहे आरजू है यही कि तेरी गोद में, आरजू है यही कि तेरी गोद में मस्ती हर एक जिंदगी हे, रहे तार मन की प्रभु से जुड़े है, रहे आत्म ज्योति सभी की जगे है, रहे आरजू है यही के तेरी गोद में, आरजू है यही के तेरी गोद में दाता हस्ती हर एक जिंदगी हे, रहे तार मन की प्रभु से जुड़ी है, रहे ऐसे लगातार करो, रुकना नहीं है किसी को भी, अभ्यास बनाओ बस। हो हृदय में नहीं बदले की भावना, हो हृदय में नहीं बदले की भावना, सबके खातिर सदा हो ये शुभकामना, सबके खातिर सदा हो ये शुभकामना, उर्मे प्रभु प्रीत सबके बसी ही रहे, उर्मे प्रभु प्रीत सबके बसी ही रहे, दाता हस्ती हर एक जिंदगी है, रहे तार मन की प्रभु से जुड़े है, रहे आत्म ज्योति सभी की जगे ही रहे। विश्व सारा हमारा ये अपना ही है, विश्व सारा ये अपना ही परिवार है, विश्व सारा हमारा ये परिवार है, सबके हम सब हमारे ही आए नजर, सबके हम सब हमारे ही आए नजर,
हर डगर फूलों से यूं सजी ही रहे, हर डगर फूलों से यूं सजी ही रहे। दाता हस्ती हर एक जिंदगी है, रहे तार मन की प्रभु से जुड़े थे, रहे आत्म ज्योति सभी की जगे है, रहे आरजू है यही कि तेरी गोद में, आरजू है यही कि तेरी गोद में। दाता हस्ती हर एक जिंदगी है, रहे तार मन के प्रभु से जुड़े है, रहे। ऐसे लगातार 10-15 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक आपको करना है। जब बीच में थोड़ी थक जाओ तो कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम कर लिया करो, अनुलोम विलोम के बाद फिर कपालभाति कर लिया करो, थोड़ा बटरफ्लाई कर लो, चलो रिलैक्स हो जाओ। आज योग का ये दीक्षांत समारोह है आपका। दीक्षा किसको कहते हैं? जब शिक्षा हमारे आचरण में उतर जाए उसको दीक्षा कहते हैं। आपने दो शब्द सुने होंगे ना, शिक्षा दीक्षा, ऐसा। तो योग अब आपके आचरण में उतर जाना चाहिए पूरा। तो ये क्या हो जाएगी, योग की शिक्षा क्या बन जाएगी, आपकी दीक्षा बन जाएगी। तो आज सब संकल्प लेंगे, कितनी सुहानी सुबह है ये बेंगलोर वासियों की, दाएं तरफ से लेके बाएं तरफ से लेकर के और पीछे तक, मुझे लगता है इतने सुबह इतनी बड़ी मात्रा में मंगलुरु के लोग कभी नहीं जगे होंगे। 4 बजे से पहले जग करके आया, हजारों हजारों भाई बहन यहां जो है सुबह 4 बजे उठ करके, कुछ 3:30 बजे, कुछ तो 3 बजे उठ करके, और उपस्थित हो जाते हैं। यह तो करीब 3 दशक का समय हो गया है, लेकिन इस काम को करते ही बहुत समय बीत गया। पहले हमने योग को फोकस किया, साथ साथ में आयुर्वेद को, और फिर जब हमने देखा कि देश राजनीतिक रूप से तो आजाद हो गया लेकिन आर्थिक गुलामी की बेड़ियों में अभी भी देश जकड़ा हुआ है, तो हमने फिर स्वदेशी का अभियान शुरू किया। और मुझे कहते हुए गौरव है, फक्र है कि आज सारी MNC सारी विदेशी कंपनियां मल्टीनेशनल्स घबरा रही है, क्योंकि आज देश में पतंजलि ब्रांड सभी ब्रांडों के ऊपर भारी पड़ रहा है। और उसके पीछे मकसद है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट देना, चाहे वो नेचुरल मेडिसिन हो, नेचुरल फूड हो, नेचुरल कॉस्मेटिक हो, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट देना, लो प्राइस पर देना, और जो भी प्रॉफिट हो वो 100% उससे चैरिटी करना, 1 रुपए भी अपने लिए नहीं, 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए, सेवा के लिए, ये है स्वदेशी का अभियान। तो पतंजलि आने वाले समय में हम लोगों ने अभी गाय के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है। आज हिंदुस्तान की भारतीय नस्ल की जो गाय 3 से 5 किलो दूध देती हैं, आने वाले 2, 4, 5, 10 सालों में आप देखेंगे कि वे ही गाय जो 3 से 5 किलो दूध दे रही है, उनकी पैदा होने वाली जो बछड़ियां आगे की संतति है वो 25-50 किलो दूध देने वाली हिंदुस्तान की नस्ल की गाय होंगी। ऐसे तो हरियाणा में पैदा हुआ लेकिन आजकल यही रहता है, यशपाल उसको इस सेवा में लगाया हुआ है। भाई यशपाल जी को इस सेवा में लगाया हुआ है, श्रद्धाचार्य भाषण जी के साथ में वो इस काम को लीड कर रहे हैं। इसके ऊपर हम लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, 500 करोड़ रुपए पतंजलि खर्च करेगा और गायों की नस्ल का सुधार होगा, 500 करोड़ रुपए। फिर एक विश्वविद्यालय जहां अपने देश सहित पूरी दुनिया के बच्चे आकर के पढ़ सके, जैसे प्राचीन काल में हमारे गुरुकुलों में शिक्षा दीक्षा लिया करते थे, ऐसे एक
एक लाख बच्चों की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएंगे और उसमें देश नहीं पूरी दुनिया के लोग आकर के पढ़ेंगे। इससे देश का गौरव बढ़ेगा और भारत की परंपरा को पूरी दुनिया में सम्मान मिलेगा, भारत को प्रतिष्ठा मिलेगी, यही तो हम चाहते हैं। और हर एक जिले में एक आचार्य कुलम बने, समय तो लगेगा, लेकिन मैंने कहा ना, अरे हम तो योगी हैं, अभी भी 50 साल तक तो कुछ बिगड़ने वाला है ही नहीं, उससे तो और इससे भी आगे जो भी बोनस में भगवान देंगे जिएंगे। 50 साल का हमने मास्टर प्लान बनाया हुआ है, हर एक जिले में एक आचार्य कुलम, और मैंगलोरु में तो बहुत जल्दी ही हमारा संकल्प है कि एक आचार्य कुलम बन जाए जहां बच्चों को वैदिक एजुकेशन भी दी जाए और मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाए। हमारे ऋषि ज्ञान परंपरा और आधुनिक ज्ञान परंपरा दोनों का संगम यहां पर होगा। मैं बोलता हूं मेरे दो हाथ नहीं, मेरे हजारों लाखों करोड़ों हाथ मेरे साथ हैं, आपके हाथ मेरे हाथ हैं, संग अच्छध्वम संवदध्वम संभु मनांसि जानताम। तो सुनो, ये आचार्य कुलम का बहुत बड़ा काम करना है, ये स्वदेशी का बहुत बड़ा काम करना है। इस बार 99% विदेशी कंपनियां तो इसी बार परास्त हो जाएंगी और 2-3 साल में सारी विदेशी कंपनियों का शीर्षासन हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। इतना बड़ा काम करना है, अपने देश के ऊपर गौरव होना चाहिए। और आज पतंजलि पैट्रियटिज्म एंड प्राउड ऑफ इंडिया का एक दूसरा नाम बना है। तो सुनो, आप सब भाई बहनों को इसमें अपना अपना दायित्व, अपनी अपनी भूमिका निभानी है। और अभी अनुलोम विलोम करके, भ्रामरी उद्गीत करके, ध्यान करके, फिर व्यायाम करके, आज हमने बोला था कि सबको हम होली का जो सात्विक रूप है ना, होली का, दिवाली का, पर्वों का, त्योहारों का, धर्म का, अध्यात्म का जो विशुद्ध रूप है, उससे हम आपको जोड़ते हैं। तो चलो उज्जाई कर लो एक बार। आज सब यहां प्राणायाम ध्यान के बाद, व्यायाम के बाद होली खेलेंगे, सब फूलों की होली खेल के फिर आगे प्रस्थान करेंगे। उज्जाई प्राणायाम कर कीजिए, आइए। उज्जाई के लिए ना गले को टाइट किया करो, भस्त्रिका कपाल भाति, भाई प्रणाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत और प्रणव का ध्यान, ये 8 क्रियाएं तो सबको रोज नियमित रूप से करनी है। करो, 3 बार तो कर लिया करें सब। धीरे अभ्यास बढ़ जाता, मैंने 2-2.5 मिनट तक आपको करके दिखाया भी था। धीरे धीरे बढ़ाना, यंगस्टर्स बढ़ाना, ज्यादा उम्र वाले मत बढ़ाना, 1 मिनट से ज्यादा मत करना। अधिक उम्र वाले 1 मिनट से ज्यादा रोक के नहीं रखेंगे, जो यंगस्टर्स हैं वो 1-2 मिनट तक रोक के रख सकते हैं।
उज्जयी प्राणायाम 3 से 5 बार, फिर अनुलोम विलोम कीजिए। ये सभी सीधे बैठ जाएंगे, अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। ये 8 प्राणायाम ध्यान के साथ करना, फिर थोड़ा 12 आसन, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम आदि रोज करना है सबको। सीधे बैठे हैं, एकाग्रता के साथ करना। मैं कह रहा था रोगों के लिए तो योग तो महा औषध है ही, ज्यादा रोग है उसके लिए पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र पूरे देश भर में 10,000 से ज्यादा अपने सेंटर्स हैं पतंजलि के, उनसे आप थोड़ा मदद ले सकते हैं। औषध दर्शन, योग दर्शन और प्राणायाम रहस्य, योग साधना, योग चिकित्सा रहस्य, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, कुछ साहित्य ले लेना, पढ़ लेना, उससे और ज्यादा आप ये योग विज्ञान को, आरोग्य विज्ञान को अधिक समझ पाएंगे। अनुलोम विलोम कीजिए लगातार, 5-7 मिनट करना है सबको, धीरे धीरे फिर 10-15 मिनट करने का अभ्यास बन जाएगा आपका। अनुलोम विलोम ऐसे लगातार करना, व्याधियां तो मिटेंगी ही, आपका व्यक्तित्व चारों ओर से सवरने लगेगा, दिव्य बनेगा। हमारे व्यक्तित्व के सैकड़ों हजारों पहलू होते हैं, योग करने से शरीर से लेकर के इंद्रियों से, मन से लेकर के वाणी व्यवहार से लेकर के हमारे लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, सभी दिशाओं में हमारे जीवन में दिव्यता, डिविनिटी आने लगती है। और हम स्वयं तो आगे बढ़ते ही हैं, विकल्प रहित संकल्प के साथ अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ना। आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो योग तो करना, क्योंकि योग करने से ही मैंने कहा आपका पूरा व्यक्तित्व विकसित होगा। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना, योग करने से स्वाभाविक रूप से सारे सत्य आपके जीवन में समाविष्ट होंगे।